गाइस दिस इज द रूट जहाँ से अपन जाया करता एंड दिस इज द एरिया दैट यू आर एबल टू सी। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब कुछ हमारे उसके बाद में डेवलप हुआ है पूरा का पूरा, जितना भी एरिया आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये यहाँ पे हमारा बस स्टॉप होता था, एक हमारा मतलब मेरी बस जो आती थी उसका एक बस स्टॉप होता था। मेरा तो आगे काबू लाइन के अंदर है। आई विल शो यू गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी। नाउ आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ग्रीनरी इज अराउंड। ओके नाउ लेट मी शो यू, दिस इज नथिंग, दिस इज समथिंग ऑस्पिशियस दैट यू हैव टू बी लाइक कीन इन डेवलपमेंट। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, वाह यार मैं तो कुछ भी बोले जा रहा हूँ। दिस इज द पूरा का पूरा जो काबू लाइन का एरिया है, ये यहाँ पर हम लोग रहते थे। ये पूरा का पूरा जो कवर होता है इस एरिया के अंदर है। हाँ ये भाई पूरा जो दिख रहा है तेरे को, ये सब कुछ हमारे बाद में डेवलप हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं था। या दिस इज द प्लेस आश्रय एंड ऑल। आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ लाइक आर्मी क्वार्टर्स के अंदर रह रहे हैं ना, जैसे पहले फीलिंग आती थी प्रॉपर वही वाली फीलिंग आ रही है यार। एंड नाउ लुक एट दिस, ये मदर डेयरी अभी ओपन हुई है रिसेंटली, और हमारे टाइम पे नहीं थी, अब पता नहीं कब हुई है। और ये वाला जो पूरा एरिया है, रोड जाते हैं यहाँ से जाकर एक कैंटीन आ गई थी, और ये वाली तो आपको जो ग्रे कलर में दिख रही है ये तो सारी की सारी नई बनी है बिल्डिंग्स हमारे टाइम पे। ये वाले क्वार्टर्स थे, और आगे जो आपको दूसरी बिल्डिंग दिख रही है ये जो अभी कैमरे में आ रही है तो ये वाली थी दिस। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कुत्ते वाली जो पार्टी है। और यहाँ पे मेरा एक दोस्त था गौरव, उसका घर होता था इस वाली बिल्डिंग के अंदर। सो आई यूज़ टू कम, उसने क्या करा था मेरे को लिफ्ट में बंद कर दिया था, फिर आंटी को बताया, आंटी ने डांटा था मेरे को, नहीं उसको। हाँ ये देख रहे हो आप, इन घरों की जो लेवल है वो नीचे चली गई इस वाली बिल्डिंग के अंदर। जो फोर स्टोरी आपको दिख रही है, इसमें भाई ट्यूशन पढ़ने आता था। एक बार मैं अभी गया था ऐसे ही, हाँ ऐसे नहीं, पार्टी दी थी उन्होंने, जो ट्यूशन दी थी उन्होंने दी थी न्यू ईयर की, तो मैं भाई हम गए थे। एंड यहाँ पे भी एक बस स्टॉप होता था। चलो हम यहाँ से, दो रूट है, एक तो ये सीधा रूट जाता है, एक इधर वाला जो रूट है इस वाले रूट पे लेके जाता हूँ आपको। एंड दिस रूट यहाँ से हनुमान मंदिर और जो अपना करियप्पा विहार वाला है अय्यप्पा टेम्पल, ये दो अपने यहाँ पर आएंगे। सो दिस आप देख सकते हो कि क्या हालत हो गई है पूरे के पूरे जो भी अपने यहाँ पे घर है बिल्डिंग्स की। ये भी T9 सिंगल स्टोरी ऐसे ऐसे करके नाम दे रखे हैं। वही दिस इज ऑल नथिंग न्यू इसके अंदर, जो कि पूरी की पूरी आपको बिल्डिंग दिख रही होंगी। तो पूरा का पूरा जो एरिया है ये है, इसमें मतलब भाई कतई फुल्ली कवर्ड है, कोई भी ऑस्पिशियस वाली थिंग नहीं है। अब आगे चलो, आपको आगे का और जो सीन है वो दिखाता हूँ। सो यहाँ से जा करके, यहाँ से भी अब हमारे पास में दो वे आते थे, एक इधर जाता था दिस साइड, ये वाला जो अपना काबू लाइन का जो पार्क है उसके अंदर जाता था, एंड द सेकंड वन यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा जाना है, तो यहाँ से टर्न नहीं लेना है। एक तो ये वाला आता है और सेकंड वाला है यहाँ से बिल्कुल सीधा जाने पर आएगा। लेट मी शो यू, दर्शन भी कर लेंगे। सो दिस यहाँ से संगल। सो ऐसे कर देने का, दिस इज पूरा का पूरा मंदिर है ये है। शनिदेव महाराज इनका टेंपल है, और यहीं पर अय्यप्पा जी का टेंपल है, ये रे स्वामी जी अय्यप्पा इनका मंदिर।
और ये पूरी सोसाइटी बन गई है यहाँ पे अपने हनुमान जी का मंदिर। ये देख सकते हैं आप नाव। अब हम यहाँ से चलते हैं नाव, लेट्स गो फर्दर। ये पूरा यहाँ पे हमारे ट्यूशन वाले जो टीचर थे उनका था यहाँ पे अय्यप्पा मंदिर। एंड यहाँ से जाते 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 दिस इज द अय्यप्पा टेम्पल। ये पूरे क्वार्टर्स आप देख रहे हो कितने, मतलब इनको मेंटेन कर देते हैं बाद में, पहले आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसी हालत हो जाती है इनकी। लेकिन जो आफ्टर ऑल जो भी अपना सर्टेन पीरियड होता है उसके अंदर जा कर के ये पूरा पूरा सही बन पाता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। और ये पीछे वाला रास्ता जा रहा है तो यही है सेकंड। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो जो राइट वाला है तो राइट वाले पे यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एक और मंदिर आता है, मंदिर के दर्शन करके आते हैं। यहाँ पे MBS के लड़के रहते हैं, इस एरिया पे MBS कहते थे। तो यहाँ पे एक मोटर रहता था, वो थर्ड फ्लोर पे बेडशीट लटक रही है येलो कलर की, सो ही यूज्ड टू बी डेंजरस। हवाबाजी में था। इसके भाई का नाम सागर था एंड इसका पता नहीं क्या, मेरे को ध्यान में नहीं है। नाउ 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 दिस इज़ द टेम्पल ऑफ शिव जी, जय श्री राम। एंड दिस यहाँ से भी दो रास्ते जाते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से वापस हो रहे हैं, हम उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से मैं जाया करता मंदिर हो करके। सो नाउ लेट मी टेक यू। नाउ 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 एंड दिस इज द एरिया, दिस इज द बेसमेंट एरिया। लेट मी शो यू। सो ये पूरा का पूरा जो है अपना MBS वाला जो एरिया है, इसके अंदर जो पार्ट होता है अपना, तो यहाँ से भी कुछ नहीं है। ये वाला पूरा का पूरा आपको एरिया दिख रहा होगा। बस अभी आपको फिर वही है प्रॉपर वॉक करवा करके इसमें लेकर के जाऊँगा मैं, देखते हैं। और वाईफाई लगवा दिए गए हैं दिल्ली की साइड से, जितना भी जो एरिया वाला है पूरा का पूरा, तो उसके अंदर आपको फ्री का वो दिया जा रहा है, नथिंग मेंटेन। एंड नाउ 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 लेट्स गो आगे जा कर के, एक कैफेटेरिया आने वाला है। ये भी पहले नहीं था जो आपको दिख रहा होगा सामने, अमूल वाला, यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं होती थी, ये बड़ा पार्क होता था। एंड लेट मी शो यू, यहाँ पे भी, हाँ इस वाली बिल्डिंग के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला दरवाज़ा, इसके साइड वाले दरवाजे पे मेरा एक दूसरा रहता था, शेड डला हुआ है, दिख रहा होगा तो आपको शायद से। ओह अरे वो रही हमारी बिल्डिंग, दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ। ये इस बिल्डिंग के अंदर आपको बालकनी दिख रही है, वो वाली अपनी है। नाउ अब हम यहाँ से आपको पहले बड़ा पार्क जो है इसके अंदर लेके जाएंगे। ये पूरी ऐसी बिल्डिंग होती थी, अब इनका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये रिपेयर हो रही है, ठीक है। नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड द बड़ा पार्क। सो गाइस दिस यूज्ड टू बी द बड़ा पार्क, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू द बड़ा पार्क ऑल्सो। सो ये वाला जो अपना मेन गेट है, यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाला जो डिपार्टमेंट होता है, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ से हमारा जो मेन एरिया आता है उसकी बात करेंगे। सो ये पूरा का पूरा, ये जो कितना भी दिख रहा है ना तुम्हें, ये सारा का सारा इसमें है। नाउ लेट मी शो यू फर्दर। यहाँ पे मतलब हम पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे। दिस यूज टू बी लाइक द फेवरेट प्लेस एंड द फेवरेट पार्क ऑफ आवर्स। एंड हेलो भाई आर्यन। सो दिस यूज टू बी द, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है इसमें है। और
यहाँ से दिखाता हूँ आपको, एक ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा का पूरा अभी नया बना है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जाएगा और अब मैं आपको आगे वाला जो पूरा एरिया है, लेट मी शो। यहाँ से ये स्पेस पे पूरे के पूरे पे वॉक होता था हम लोगों का। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्क, यहाँ पे हम पूरे टाइम पे खेला करते थे, ये सही रहता था हमारा। और ये वाला जो झूला दिख रहा है, इस पे हमारा पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे हम फुटबॉल खेला करते थे, जो सामने वाला ग्राउंड है आपका, इस सामने वाले ग्राउंड के अंदर। और इस पे अभी चेंज कर दिया, लेकिन ये पहले ऐसा जब हमारे टाइम पे था उस पे फुटबॉल वाला पूरा कोर्ट होता था इसके अंदर। ये मेरे ख्याल से कुछ होगी अराउंड 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 कितना बताऊँ आपको, 7 साल मान लो आप, 7 से 8 साल जब हम यहाँ पे रहते थे। एंड दिस यूज टू बी अ स्कूल, जो सर्वोदय वाला जो स्कूल होता है, तो ये वाला जो है वो पूरा का पूरा स्कूल होता था। यहाँ से जो दीवार है वो टूटी हुई थी, और फिर इस दीवार के अंदर कुछ भी नहीं, ये वाली जो दीवार थी इसका जो बेसिक होता था, इसी स्टोरी थी कि जो घोस्ट वोस्ट नहीं होते उन्हीं को लेकर के थी उस टाइम पे सुनते थे। अब तो ये जो पार्क है मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम यहाँ राउंड लगाते थे, लाइक वॉक पे आते थे, वॉक नहीं जॉगिंग ही कह लो आप, पापा के लेकर के आते थे हमें, तो यहाँ पर ये हम आते थे, बहुत लंबा राउंड लगता था। और यहाँ पर हमारे गोल पोस्ट बनते थे दो, एक ये जो फ्लावर्स वाला है और एक यहाँ पे। और यहाँ से सामने वो जो एक पेड़ है, वो वाला पेड़, और उसके साइड वाला, तो ये वाला जो दो है, तो ये दो बनते थे अपने, ठीक है। और अब आपको लेके जाते हैं मिडियोकर वाला जो है पूरा का पूरा पार्क। और ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया है और बढ़िया लग रहा है। बाबा राम राम। ये यहाँ से नाउ लेट्स फर्स्ट हैव सम वाटर, वाटर वाटर पीते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। लेट मी कहाँ बोलेंगे का पार्क। और जो आपको पूरा का पूरा पार्क दिखाऊंगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कि है अपना पूरा चेंज कर दिया है इन्होंने। और आगे का दिखाता हूँ, दिस इज समथिंग लाइक, ये अपना पूरा यहाँ से पार्क हो गया है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरे के अंदर फुटबॉल का जो एरिया होता था ना, वो होता था हमारा। नाउ नाउ कमिंग ऑन द मेजर पार्ट, डैट इज यहाँ से निकल के ये पूरा बास्केटबॉल कोर्ट जो बनाया इन्होंने, ये हमारे टाइम पे भी नहीं थे। और फिर यहाँ से ये तो भाई पूरा का पूरा जो है ना अपना बेसमेंट नहीं होता, एक प्रॉपर बेसमेंट वाला जो एरिया होता है, तो उस एरिया का है। और इससे पहले हमारा जो घर होता था वो इस वाले बिल्डिंग के अंदर, वो जो वो वाला हमारा घर था, उसका 3rd-4th floor से नीचे वाला। आगे का पार्ट दिखाता हूँ यहाँ से। और दिस यूज्ड टू बी द मेजर वन, ये भी पूरा का पूरा यहाँ से गया है, पूरा ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे मेरे दोस्त रहते थे। और ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये इसमें 3rd floor ये हमारा था, और यहाँ पे गार्डन वार्डन बना के रखती थी आंटी। और यहाँ पे एक मेरा दोस्त था रवि, उसका भी था। और ये वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट का इन्होंने प्रमोशन कराया, इसमें हमने कोचिंग ली थी, और इसमें भी रहने लग गए शायद से वो हैं जो वर्कर हैं, जिन काम कर रहे हैं वो यहाँ पे। इस फ्लोर पे भी रहते थे 2nd floor पे मेरे दोस्त, और इसी फ्लोर के अंदर एक है नीचे ग्राउंड फ्लोर रवि, वो रहता था। और यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टावल, वहाँ शैलेश रहता था। यार आई एम मिसिंग ऑल दिस प्लेस। और नाउ आगे जाते हैं। इन घर की आप हालत देख रहे हो, इतने सालों पुराने हैं, इसके अंदर पता नहीं लोग अभी कैसे रह रहे हैं, एकदम जो हालत नहीं होती पूरी की पूरी वो जा चुकी है।
वही है। देखते हैं देखते हैं, अब यहाँ से जो है मेजर एरिया, ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन का था वो हमारे टाइम पे सही था, लेकिन अब नहीं है, ये पूरा चेंज हो चुका है। अब यहाँ से दो रूट निकलते हैं, एक है यहाँ से सीधे वाला जिससे मैं जाता था, एक है सामने पार्क वाला। तो इस पर कुछ नहीं है, यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक नया पार्क बनाया है, लेट अस सी। एंड ये यहाँ से हम जा रहे हैं। ओके सो ये इन्होंने नया पार्क बनाया है, पूरा कंस्ट्रक्शन करा है। और ये यहाँ से पूरा का पूरा करके एक चेंज वाला जो पैटर्न होता है उसको पूरा का पूरा बदल दिया भाई इन्होंने। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा खाली होता था। यहाँ से हम एक शॉर्टकट लेकर के आते थे, मैं दिखाऊंगा आपको शॉर्टकट वाला, और वहाँ से जाते थे। और लेट मी शो, यहाँ से ये वाला जब मैं 12th के अंदर था उस टाइम पे बना था, तो तब हम ये आपको गैरेज दिख रहे होंगे, यहाँ से ये वाला जो रास्ता जा रहा है वो उस मेन रोड से निकल के यहाँ से जाता था, यहाँ से एकदम सीधा हम वहाँ पे निकलते थे। लेकिन अब ये पूरा ही चेंज हो गया है। ये जो MS क्वार्टर्स है उनका है ये वाला पार्क। और नाउ 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 मूविंग ऑन फर्दर, अब आपको आगे का दिखाते हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से निकल के जो मार्केट वाला होता है अपना, सदर बाज़ार वाला जो एरिया है, तो यहाँ से सदर मार्केट निकलेगा अपना सदर बाज़ार का, और जो दूसरा है वो सदर थाना। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं सदर बाज़ार वाला। इससे पहले ना यहाँ से आपको दिखाता हूँ, मेरी क्लासेस होती थी यहाँ से, मैं ट्यूशन के लिए जाता था। एंड ये यहाँ से पूरा का पूरा ये जो अपने प्रकाश अंकल हैं उनका है, स्वीट्स वाले का। और यहाँ से लेट मी शो ये सोसाइटी के अंदर आ गए हैं। यहाँ से हम ट्यूशन के लिए जाते थे, होली देख रहे हो आप, होली खेली हुई है यहाँ पे, तगड़ी वाली खेली है जो अभी तक कलर नहीं गया। ओके ओके ओके, यहाँ से भी एक गली थी जो मैस्टिक नहीं होता उसका पूरे का पूरा है उसका काम चलता है। और यहाँ से जो मेन रूट पूरा का पूरा मेन रूट है ये, हाँ, ये यहाँ से भाई पूरा का पूरा जो अपना निकल रहा है ना, यहाँ इसके ऊपर हमारा होता था द माइंड स्ट्रेचर अकेडमी TMS से होता था इस पर। और यहाँ से पानी निकले जा रहा है, अब तो इन्होंने होटल बता नहीं क्या खोल लिया। और ये जो हमारी काबू लाइन थी उसका ये वाला एक छोटा गेट होता था, यहाँ पे हमारा दूध वाला आता था, तो यहाँ से मैं दूध लेता था ये वाला अंदर का जो भी पोर्शन है। और यहाँ पे जो ग्रीन हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है वहाँ पर आई यूज टू गो फॉर डैट क्लासेस, लो आपको वो भी दिखाई देता हूँ मैं। लेट मी शो यहाँ से मतलब पूरा का पूरा जो काबू लाइन का एरिया नहीं होता था अपना, तो वो पूरा का पूरा काबू लाइन वाला एरिया है। और यहाँ पर जो ग्रीन शर्ट दिख रहा है आपको, सो ये वाला जो ग्रीन शर्ट था इसके अंदर हमारे फिजिक्स कह रहा हूँ, हाँ वो पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे। और इसके अलावा ये उनका दरवाज़ा था रेड कलर का, जय श्री राम। तो फिर वो हमें पढ़ाते थे मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे, शायद कब 7th, 8th, 9th, 10th इसके आसपास वाली क्लास थी, मेरे को ध्यान नहीं है, तो इन्हीं में पढ़ाते थे। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये पूरा का पूरा काबू लाइन वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ये पूरी सोसाइटी है। नाउ लेट मी शो यू फर्दर, वो जो आपने पार्क में नहीं देखे थे बच्चे, तो उन्होंने जो मेरे चैनल का नाम पूछा है उसमें मैंने उनसे आर्यन बोल दिया था
क्योंकि मेरा जो सेकंड चैनल है एक मैंने आर्यन के नाम से बना रखा है, तो मैंने सोचा था उसमें अपलोड करने का, लेकिन फिर वही है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी है मेरे म्यूज़िक वाले कंटेंट की वजह से। तो यही मैंने अपना न्यू चैनल बना रखा है जितेंद्र सिंह के नाम पर। तो मेरा जो ओरिजिनल नेम है वो जितेंद्र सिंह ही है, लेकिन जो निक नेम है घर पर जो बुलाते हैं वो आर्यन है, तो इसलिए आर्यन के नाम से बनाया था चैनल। सो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना, ये वाली जो वीडियो जितेंद्र सिंह पे आएगी, और यही मेरा मेन चैनल है जो आर्यन वाला है वो चैनल बंद हो चुका है स्ट्राइक की वजह से। ठीक है ना, आपको दिखाता हूँ आगे का एंड दोस्तों जो व्लॉग है वो लंबा हो रहा है, तो प्लीज डोंट माइंड इसके रिगार्डिंग। मैं आपको एक बोर जो पूरा का पूरा एरिया है ना सदर बाजार का वो वाला शो कर रहा हूँ। नाउ 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 लेट्स गो लेट्स गो। ये रहा। सो यहाँ से एक इन्होंने कचरे वाला बना दिया है और ये पूरा सीधा रोड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अपना भाई, यहाँ पे अपन बाल कटवाया करते थे इन अंकल के पास में। ये जो अंकल हैं उनके पास में जाया करता था मैं छोटा था उस टाइम पर। और ये जो भाई अपने अंकल नहीं है, यहाँ पे अंडे वाले अंकल खड़े होते थे, तो उनके पास में जाता था मैं अंडे वंडे जो भी होता था पूरा का पूरा वो लेने के लिए। यहाँ से कहाँ करते हैं, पहले हम चलते हैं सब्जी मंडी वाले, सब्जी मंडी के साइड चलते हैं। पहले आपको वाला एरिया दिखा के लेके आते हैं। लेट अस क्रॉस द रोड दिस एंड दिस। ये रहा। आहा गाइस, एक बार रुको, मेरे फोन की बैटरी गई है। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस वीडियो इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी मैं इसको घर जाके चार्ज लगाऊंगा और ये वाली वीडियो इसको अपलोड कर दूंगा, और जो सेकंड वीडियो होगी उसको कल अपलोड कर दिया जाएगा। सो स्टे ट्यून, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है क्योंकि बैटरी खत्म हो गई है। इसको भी कुछ आपको अपलोड भी करनी है, मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो यहीं से आपको इसी जगह से कंटिन्यू मिलेगी। ओके गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।